मॉर्निंग एवरीवन जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी बहुत मॉर्निंग है, हम यूजुअली इतने मॉर्निंग को उठते नहीं है। अभी बज रहे हैं 6 सुबह के। हमारी मॉर्निंग इतनी जल्दी होती नहीं है, 5 ही बजे मॉर्निंग हो गई है। क्योंकि जैसे कि आप मेरी प्यारी चिपेंचेज के आइज को देख के समझ सकते हो कि ये जो है बीमार है, नाक बहर है। कुछ दिनों पहले आइसक्रीम खाया था, परसों वो निकल रहा है नाक से। सारी आइसक्रीम, तो इसलिए हम जल्दी उठ के, है ना, क्योंकि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने सोचा चलो उठ के यहाँ और बैठते हैं। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. तो प्लांट को पानी देना और प्लांट की केयर करना काफ़ी रिलैक्सिंग होता है और मुझे ये करते हुए काफ़ी मज़ा आता है। तो आज सुबह सुबह कर रही हूँ तो और भी मज़ा आ रहा है। और इनकी ताजगी देखिए, मतलब ये जो बूंदें दिखती हैं ना पत्तियों पे, तो मैं आपको बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितना अच्छा लगता है। बेटर है और सुबह सुबह पानी पीना, प्लांट्स को पानी देना, ये सब सारा हो चुका है। और जनरली ये मैं सुबह में नहीं करती हूँ वाटरिंग प्लांट को, मैं जो है इवनिंग के टाइम पे करती हूँ। बट आज सुबह उठ गया तो सोचा कि सुबह ही दे देते हैं, ये काम निपटा लेते हैं सुबह ही। तो यस, अभी वही किया, अभी 7 बज चुके हैं और अब थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बना लूँगी और पी वो तो दे ही दूँगी। अभी उठ के ही है, क्लासेस भी होते हैं उसके, तो वो भी कर लेगी ऑनलाइन। और बहुत गर्मी आ गई है, मतलब सुबह सुबह बैठी भी हूँ ना बाहर में, तो आप मुझे लिटरली स्वेट देख सकते हो, देखो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, पर अच्छा लगता है सुबह जो वो ताजगी वाली हवा आती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाथ में ही लेके रहो, सुनो जी आती है ना। सो हम आ चुके हैं छत पे थोड़ा सा घूमने सुबह सुबह, सुबह सुबह नहीं, देखो कितनी कड़कती हुई धूप है, सुबह सुबह पूरी कड़कती हुई धूप है और देखा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, इतना धूप है यार। तो यस, अभी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. So just अभी जो है second cup, मतलब पहले मैंने ब्लैक कॉफ़ी पिया था, अभी मैं सेकंड कप जो है पी हूँ वो है टी का। और अभी भी जस्ट फिनिश किया, आपको दिखाना भूल गई। रीज़न ये है कि आज जो है ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि मैं ज़रा सा भी नहीं सोई हूँ, थोड़ा सा आँख लगा था। आपको पता है जब आपकी आँखें लगी और उसी टाइम पे अगर आपको उठना पड़े ना, तो वो सिचुएशन जो होता है ना, मतलब आपका पूरा दिन बहुत ही गंदा जाता है। यदि मैं ना सोऊँ कम्प्लीटली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा सो के, मतलब आप 15-20 मिनट सो करके जो उठते हो ना, वो बहुत गंदा होता है। तो मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लिटरली कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ना खाना बनाने का, ना काम करने का, बट क्या करें, देखते हैं। आधा तो खाने का प्रिपरेशन कर ली हूँ। और पता कल क्या हुआ, मैं स्पेंसर से लाइट ऑन करती हूँ, बहुत अंधेरा लग रहा है। तो मैंने कल ना स्पेंसर से बहुत सारे सामान ली है, और उसमें क्या हुआ पता है, मैंने कुछ वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली,
कॉलीफ्लावर ये सब लिए थे, और मैंने जो है उसका बिल भी, मतलब जो होता है ना उसका स्टिकिंग करते हैं वो लोग, जो भी है बिल स्टिकिंग करते हैं, तो वेट करके वो भी करवा लिया और मैं वहीं पे छोड़ दी, मतलब मैं उसको कार्ट में डालना ही भूल गई। हाँ, तो आज जब बनाने के लिए जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि है ही नहीं कुछ भी, तो सिर्फ कैरेट और बीन्स एंड पर्पल कैबेज लेकर के आए, तो उसी से बनाएंगे। और एक बॉईल कर लिया है, अब देखते हैं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मेरे लिए मैंने किनवा बॉईल किया है, तो सोच रही हूँ किनवा बनाऊँ और पीयू के लिए राइस ऐड कर दूँगी, सेम वेजेस जो होगा ना वेजेस में ही सेम। तो बहुत ही मन था आज कि ब्रोकली और ये सब ऐड करके कुछ बनाऊँ, पर बन नहीं पाएगा। सो अमेजोन से आया है ये, इसी का वेट कर रही थी कब से, इतना लेट डिलीवर हुआ है ना, होपफुली कि प्रोडक्ट सही हो। लास्ट टाइम भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, पर अमेजोन वाले ने ना दूसरा कुछ भेज दिया था, तो ये अमेजोन के साथ में हमेशा से ही प्रॉब्लम रहता है। जब भी आप कुछ ऐसा ऑर्डर करोगे ना जो यहाँ पे बहुत रेयर मिलता है, तो कुछ और ही और आ जाता है, रिसीव होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। इनफैक्ट अभी अभी मैंने एक जो है ना और भी अमेजोन से कुछ मंगाया था, जिवामी का साड़ी सेपर, तो मेरे पास में स्टोर से लिया हुआ भी है, तो कल मुझे रिसीव हुआ, कल इवनिंग मतलब नाइट में ही बोल सकते हो। और पता है आपको, टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब वो तो एक तो टैग भी जिवामी का नहीं है, कुछ भी नहीं, और इतना इतना वर्स्ट मतलब क्वालिटी उसकी, एंड 1100 के आसपास, मतलब जिवामी बोल करके ये कर रहे हैं। तो लेट्स सी, तो यस प्रोडक्ट तो वही दिख रहा है, अभी लगाने के बाद में पता चलेगा कि ये अच्छा है ना क्या है, क्योंकि अच्छा होगा तो फिर ओरिजिनल है, नहीं तो फिर आप बोल नहीं सकते हो। तो ये है प्रोडक्ट ये है डव का बॉडी लव बॉडी बटर एक्चुअली। तो ये मैच्योर स्किन के लिए डव का रेंज यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो उसी को मैंने मंगाया था। एंड लेट्स सी, पैकेज भी सही है, मतलब सही है पैकेज, ओपन करके देखते हैं स्मेल कैसा है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्मेल है। सो सुबह से मतलब दोपहर से जो है इवनिंग हो चुका है, अभी 7 बज रहे हैं, तो गुड इवनिंग। और हमारा जो है कॉफ़ी हो गया, और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। सो यस, कॉफ़ी हो चुका है, अभी जो है थोड़ा सा पिनाकी का रूम मुझे ठीक करना है। अभी जो है मुझे एक रूम ठीक करना है, क्योंकि बहुत ही बिखरा हुआ है, तो उसे मैं ठीक करूँगी। और क्या, उसके बाद आज थोड़ा सा पीहू को जल्दी सुला दूँगी, तो 7 o'clock तो ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ 8:30 तक उसको जो है सुला दूँ, क्योंकि बहुत सुबह उठ गई थी। तो यस, वही करते हैं, और कल सुबह सुबह आ जाएंगे पिनाकी अभी भी बता रहे कि ट्रेन जो है ना 1 घंटे लेट है, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ सुबह सुबह आने का ऐसा है चांसेस। एंड मुझे पता नहीं क्यों कि मेरा ये जो फेस है थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब गर्ल्स ही लग रहा है, आई डोंट नो वाई। तो चलिए बेड पहले ठीक कर लेते हैं, उस रूम को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में मैं मिलती हूँ। ये है हमारे घर का कचरा। सो घर क्लीन करने के बाद में ये मैंने कुछ ऑर्डर किया था होम सेंटर से, एक यूनिट, तो वो आ गया और उसी को फिक्सिंग में लग गया, तो व्लॉग एंड करने का टाइम नहीं मिला। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।